नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कड़े तेवर दिखाए हैं। राउत ने कहा कि लिखकर ले लीजिए, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साहेब मत पालिए अहंकार को इतना, वक्त के सागर में कई सिकंदर डूब गए। इससे पहले शनिवार को संजय राउत ने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की थी। देश में आर्थिक सुस्ती के बीच रोजगार के मोर्चे पर भी स्थिति काफी खराब हो गई है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 साल के दौरान 90 लाख नौकरियां घट गई हैं, जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। भारत निर्यात प्रोत्साहन की योजनाओं के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में अमेरिका द्वारा दायर मुकदमे में हार गया है। WTO की विवाद निपटान समिति ने गुरुवार को कहा कि ये योजनाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है। इस बीच भारत ने कहा कि वह WTO की विवाद निपटान समिति के निर्णय के खिलाफ अपील करेगा। बता दें, अमेरिका ने पिछले साल 14 मार्च को भारत को उसकी कुछ योजनाओं को लेकर WTO में घसीटा था। अमेरिका का कहना था कि इन योजनाओं से अमेरिका की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान के PM इमरान खान ने कहा है कि भारत के श्रद्धालुओं को करतारपुर गुरुद्वारा आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी और ना ही 10 दिन पहले रजिस्टर कराने की जरूरत होगी। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि उद्घाटन वाले दिन 9 नवंबर को किसी भी श्रद्धालु से फीस भी नहीं ली जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने इस समस्या को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों की आलोचना की। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी को गैस चैम्बर बताया। ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, खट्टर और कैप्टन सरकारें अपने किसानों को पराली जलाने में मजबूर कर रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में भारी प्रदूषण है। अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद अब ISIS ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उसने धमकी में कहा है कि अमेरिका को वह पुराने दिनों का स्वाद चखा देगा। इस संबंध में ISIS ने ऑडियो के माध्यम से बयान जारी कर कहा है कि उसके समर्थक बगदादी की मौत का बदला लेंगे। ISIS का प्रवक्ता बताने वाले शख्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पागल बूढ़ा आदमी बताया है और कहा है कि अमेरिका इतना खुश ना हो, हम तुमको पुरानी दहशत भुलवा देंगे और बगदादी की उपलब्धियों का स्वाद चखा देंगे। WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए फिंगरप्रिंट लॉक फीचर पेश कर दिया है। ये फीचर सबसे पहले iOS प्लेटफॉर्म के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसे Android यूजर्स भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस फीचर के तहत यूजर्स WhatsApp को फिंगरप्रिंट की मदद से लॉक और अनलॉक कर सकेंगे। टेलीकॉम कंपनी आइडिया और वोडाफोन के शेयर में शुरुआती कारोबार में 23% की उछाल देखी गई है। कंपनी के भारतीय बाजार छोड़ने की अफवाहों को खारिज करने के बाद ये उछाल देखी गई है। कहा जा रहा था कि कर्ज में डूब रही वोडाफोन भारतीय बाजार को छोड़ सकती है, लेकिन कंपनी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले T20 मैच को दिल्ली में ही कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली अथॉरिटी से बात की है और वो वहां मैच होने की उम्मीद में हैं। मैं अंतिम समय में मैच रद्द नहीं कर सकता। बता दें, दिल्ली में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने और हवा जहरीली होने के कारण लोग यहां मैच ना कराने की मांग कर रहे हैं। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदते हुए इंग्लैंड ने 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 154 रनों के टारगेट को जेम्स विंस के अर्धशतक की बदौलत 18.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।